स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबके बीच में आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आपके लिए ये बड़ी खबर राजस्थान की सियासत को लेकर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच सोनिया गांधी सत्ता में दोबारा लौटने की हुंकार भर चुकी है और उनके इस हुंकार से पूरे खुश नजर आए हैं सचिन पायलट। अभी तक कहा जा रहा था बीजेपी में सचिन पायलट की एंट्री तय है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद, और सुनील जाखड़ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने सोनिया गांधी पर हमला बोला, तो सुनील जाखड़ पर तो जमकर तंज कसी है। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के विजन की तारीफ भी कर दी है। अब जरा जान लीजिए कि अशोक के आगे सचिन झुक गए हैं। सुनील जाखड़ को भी करारा जवाब देती हुई सोनिया गांधी अशोक गहलोत की तारीफ करती हुई नजर आई, यानी कि अशोक के आगे झुकती नजर आई। अशोक गहलोत को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि कल रात हम डिनर टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। अशोक गहलोत और युवा नेताओं के साथ चर्चा चल रही थी तब कई सारे मुद्दों पर प्रभावित बातचीत हुई। कांग्रेस का चिंतन शिविर संपन्न हुआ और न संकल्प के साथ संपन्न कांग्रेस का शिविर बहुत शानदार हुआ है। सोनिया अपने भाषण में कह चुकी है सत्ता में वापस लौटेंगे। सोनिया ने कहा हम सत्ता में लौटेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से सचिन पायलट को काफी उम्मीदें हैं और इसके लिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो अशोक के साथ बैठक, अब राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांगे हुई है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किया जाएगा 2023 में, या फिर अशोक के बाद सचिन को ये कुर्सी अब थमाई जाएगी। इसकी अगर बात क्लियर की जाए तो अशोक से इस्तीफा सचिन पायलट के लिए सोनिया गांधी नहीं मांगेंगी तय हो चुका है, क्योंकि डिनर डेट और 3 दिन तक शिविर के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। तो सचिन का राजस्थान पे मुख्यमंत्री बनने का वो जो तैयारियां हैं उसके लिए 2023 का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि जरूर लौटेंगे, हम सभी लोग मिलकर काम करें, यानी कि अशोक सचिन साथ मिलकर काम करें, अशोक से सचिन नाराज ना हो, युवाओं को आगे बढ़ाने पर सीनियर नेता फोकस करें, यानी कि अशोक का फोकस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने का होना चाहिए। 2 अक्टूबर से भारत जोड़ी अभियान शुरू करेगा और सोनिया के इस तरह के पहल से कहीं ना कहीं सचिन भी खुश है और उन्होंने सपोर्ट किया है। ट्विटर पर अगर आप देखें तो सचिन ने इस पर सोनिया गांधी की हर बात को समर्थन देते हुए ट्विटर पर सोनिया के उस स्टेटमेंट को शेयर करते हुए नजर आए हैं। और इसी के बीच 15 जून से शुरू होने वाला है यात्रा जिसे लेकर सचिन काफी खुश है। उदयपुर डिस्क्लेरेशन में कई फैसलों को लोकसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एडवाइजरी ग्रुप बनेगा जो समय समय पर बैठक करके सुझाव देता रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री AICC अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद दोतासा जी, हमारे धर्मगुरु परम आदरणीय अच्युतानंद जी महाराज साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, रघुवीर मीणा जी, CWC मेंबर, सिंचाई मंत्री महेंद्र मालविया जी, कॉर्पोरेट मिनिस्टर उदय अंजना जी, PWD मिनिस्टर भजनला जी जाटव साहब, TSP के मंत्री अरविंद बामनिया जी, आपके प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, हमारे प्रभारी सचिव तरुण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व AIC सचिव ताराचंद भगोरा, नगराज जी, रामलाल जी, गणेश जी गोगरा, श्रीमती रमीला जी खड़िया, श्रीमती प्रीति सक्तावे जी, चारमली जिला अध्यक्ष दिनेश खुडने जिला अध्यक्ष, तमाम TSP एरिया से पधारे हुए तमाम भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप सबकी ओर से एक मुबारक मौका है जब बड़े धाम के लगभग 130 करोड़ की लागत से शानदार ओवरब्रिज बनेगा, उसे शिलान्यास किया भी। इस मौके पर राहुल जी हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आए, मैं आप सबकी ओर से प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में
जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश के दौरे किए, प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि मौका दीजिए कांग्रेस को, वादे किए जनता से कि ऋण माफ करने की बात हो, चाहे जन घोषणा पत्र जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाने की बात हो, आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी राजस्थान के अंदर। और जो फैसले हमने किए हैं, 4 बजट पेश हो चुके हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे वो हेल्थ की स्कीम बताई अभी आपको अध्यक्ष जी ने, 10 लाख का खर्चा हर परिवार का, आपका भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होगा, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट के अधिकांश अस्पताल के अंदर।